क्या बोलता गाइस कमेंट सेक्शन में, बाबू भैया शादी कर ले। एंड हमारा त्रिपुरा का मीटअप ना 9 तारीख को फाइनल हो गया। चेक दिस आउट। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. And आज के इस vlog को शुरू करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि finally guys आज हम लोग जाने वाले आसाम। इतने टाइम बाद हम लोग आसाम जा रहे हैं, मैं इतना खुश हूँ अंदर से गाइज। आपको पता है गाइज आसाम की रोड ट्रिप मेरे लिए कितनी लकी थी, फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल्ड। एंड आज इतने टाइम बाद आसाम जा रहा हूँ ना, आसाम के लोगों से मिलने के लिए अलग ही मोहब्बत है गाइज, जॉय है होम, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। हाँ हैप्पी आई एम। फिलहाल द थिंग इज गाइज, हम लोगों ने सारा सामान बांध दिया है थार पर। लास्ट टाइम हम लोग जब सिलीगुड़ी में एंटर कर रहे थे ना, तो हमारे सारे बैग भीग गए थे। जो पुराना वाला रेन कवर था ना, उससे पानी लीक हो रहा था, इसलिए सब कुछ भीग गया था। शाम को ना आसाम में बारिश की भी वार्निंग है, अभी बच्चों को ऑलमोस्ट दिन के 3। एक्चुअली व्लॉग जस्ट अभी अपलोड करके निकले गाइज। एंड द थिंग इज गाइज, रास्ते में ना बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हाईवे पे। मैंने ऑलरेडी स्टोरी लगा दी थी, मैंने कहा हाईवे पे मत रुकना, बिकॉज यार हम लोग मीटअप ही रखेंगे। हाईवे पे रुकते हो आप लोग, मेरे को इतनी भीड़ होती है ना कि ट्रैफिक दिक्कत देता है, तो हम लोग रुक ही नहीं पाते, और मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोग इतना वेट करते हो। फिलहाल बहुत अच्छा टाइम था गाइज सिलीगुड़ी में। शुक्रिया सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के लोगों एंड वेस्ट बंगाल के लोगों इतना प्यार दिखाने के लिए। आमी तुम्हें को भालू क्या बोलते हैं, आमी तुम्हें को भालूबासी गाइज, बहुत सारा प्यार कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल। फिलहाल अभी H2 और S1000 आ रहा इधर गाइज। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे ना भी कावासाकी शोरूम में बात हुई थी। हमारे पास ना निंजा H2 तो है ही गाइज, एक और मॉडल है गाइज इसका ZH2, वो ना भी इंडिया में अवेलेबल है। मैं आपको बताऊँ, मैंने ना डुकाटी देखी सामने से, एंड इन लाइन 4 गाड़ी नहीं है, मुझे ना फील नहीं आया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो गाड़ी ना ठीक है, सुंदर है, बट फील नहीं था उस गाड़ी में। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि डुकाटी की डिलीवरी से पहले ना हम लोग ZH2 उठा लेते हैं, क्योंकि वो भी सुपर चार्ज इंजन है। तो एक एलीट तो है हमारे पास दूसरी एलीट सुपर बाइक ZH2 भी हो जाएगी। क्या बोलते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो गाइज। आप लोग इतना प्यार दिखा ही रहे हो गाइज, तो फिर क्यों ना पूरा कलेक्शन खत्म ही करा जाए गाइज, इंडिया में ऐसा कलेक्शन बना दिया जाए 25 साल के लौंडे के पास एक ऐसा मोटर बाइकिंग कलेक्शन जो कोई और मैच ना कर पाए। फिलहाल सब लोग रेडी हो चुके गाइज। अंकित भाई आसाम की जनता से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? बिल्कुल, जॉय आया हूँ, बोलो जॉय आया हूँ। जॉय हूँ। अरे दुष्यंत गाइस, दुष्यंत क्या बोला, जॉय हूँ, जॉय हूँ का मतलब होता है जय आसाम, जय आसाम। और ये देखो गाइस, ये हमारी कथकली जो फोटो शूट करवा रही है। भाई मेरी एक फोटो नहीं है, पता है गाइस कहाँ से फोटो खींच पाऊँ, टाइम ही नहीं लग रहा है। एंड द थिंग इज गाइस, इस वाली रोड ट्रिप पे ना एक बहुत बड़ा चेंज ऑफ प्लान है। आप लोगों को पता है गाइस, जेनी बहनी इज हियर विद अस। तो जेनी बहन ना 3-4 दिन से हमारे साथ ही थी, इसने अपनी जॉब छोड़ दी ना, छोड़ दिया गाइस। ये बंदी इतना प्यार करती है, इसने अपनी जॉब ही छोड़ दी, इसने जॉब छोड़ी, मैंने कहा फ्री तो हो गई है, इसकी मम्मी से बात करी, और अब ये त्रिपुरा वाली राइड पर हमारे साथ जा रही है। फिलहाल इसके पास ना कपड़े कुपड़े नहीं थे, तो वो भी हम लोग रास्ते से ही खरीदेंगे, बट बहुत मजा आने वाले। सो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। एंड द थिंग इज, आज हम लोगों को सीधा गाड़ी लगाने वाले हैं गाइस गुवाहाटी में, आसाम। इतने टाइम बाद, ओ भाई, बिहू फिर से स्टार्ट होने वाला है। मैंने कहा था हम लोग बिहू के टाइम अपनी राइड करेंगे गाइस, तो बिहू के टाइम हम लोग वापस आसाम एंट्री लेंगे। एंड हमारा त्रिपुरा का मीटअप ना 9 तारीख को फाइनल हो गया, मैं यहाँ पर डिटेल्स लगा दूंगा, यू कैन कम एंड मीट मी गाइस। एक चीज़ बोलूँगा बस त्रिपुरा के लोगों, पूरा त्रिपुरा आना चाहिए मिलने के लिए। फिलहाल बहुत सारे लोग ना सुबह से वेट कर रहे हैं रोडों पर। मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं सब लोगों से मिल पाऊँ, बट स्टिल गाइस इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल सब लोगों से मिलना। लाल यार सिलीगुड़ी को कह रहे हैं हम लोग बाय बाय, एंड बहुत अच्छा टाइम बीतता है गाइस सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी के लोग ना प्यार है भाई, अच्छी हॉस्पिटैलिटी है लोग गाइस, व्हाट आई फील लाइक कि नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट में मिलते हैं। तो यार अगर आपको ये भाई याद होंगे ना, तो लास्ट टाइम हम लोग फंसे थे ना, तो इनके गैराज में, आपके गैराज में लेके गए थे ना, इस साइड से, ये तो रहा वो गैराज, यहाँ बैठा हुआ था ना मैं, अच्छा पीछे था भाई। हम बहुत रैंडम रुके थे गाइस वीडियो पब्लिक करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लास्ट टाइम भैया, आप लोगों ने बचा दिया। तो यार भीड़ लगना शुरू हो चुका है, मेरे को बस वीडियो पब्लिक करना था। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, हाँ जल्दी ले लो भाई, जल्दी ले लो, हाँ जल्दी लो, जल्दी भाई, तो जल्दी ले लो फटाफट। गाइस एक टाइम पे ना एक बंदा भी नहीं जानता था, बट आज की डेट में ना हर गली पे लोग जानने वाले हैं सच्ची में। एंड ये प्यार ना खुद का कमाया हुआ है भाई, लगता है यार बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम पे जहाँ कोई मेरे को जानता भी नहीं था, आज हर एक इंसान, बूढ़ा बच्चा बड़ा इंसान, सब लोग प्यार करते हैं। सो गाइस देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, हम लोग ना लेफ्ट मुड़ गए थे और था राइट, सो वी वेटेड फॉर देम। पीछे नहीं छोड़ना यार, बिकॉज भीड़ बहुत भड़ाका है। आदित्य भाई इज हियर, आदित्य भाई के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं। ये मैं बाहर एस्कॉर्ट जलपाईगुड़ी में ना, अभी भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो, कहाँ चल रहे हो? गाइस इतना आगे पीछे हो गया ना सब कुछ, बिकॉज हम लोग ना सिटी के अंदर से निकल रहे, तो इसलिए ना बहुत दिक्कत हो रही है।
एक्चुअली गाइस जलपाईगुड़ी में लोग बहुत खड़े हैं एंड लोग वेट कर रहे हैं, तो मिल के तो जाना ही पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पूरा हाईवे से निकल जाता, बट देन आफ्टर ऑल हम लोग सिटी में से जा रहे बिकॉज तुम लोग मोहब्बत यार, इतना तुम लोगों ने करा है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा तो आ ही सकता हूँ आपके लिए। फोन गिर गया, आ गया आराम से भाई। शीशा शीशा भाई, शीशा शीशा क्या भाई, अरे खींच क्यों रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, शीशा भाई आराम से, क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, हाथ मिलाओ लेकिन खींचो खूचो मत, लेट्स गो। भयंकर मेरा हाथ खींच के निकाल दिया था गाइस बच्चों ने। मेरे को ना डर लगने लग जाती है कभी कभी, अब तो भाई क्रेजी सीन हो रखा है। बट यार सोच रहे हो भयंकर, इतनी मोहब्बत एक मोटो ब्लॉगर से, हर एक बच्चा जानता है गाइस, हर एक स्टूडेंट जानता है कि हाँ मैं कौन हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अर्नड यार, मैं मेहनत से पहुंचा हूँ यहाँ तक, तो बस किस्मत को कोसता। गाइस हम लोग ना रुके थे बिकॉज बहुत ओवरहीट हो गया था भाई, अडाप्टर खो दिया। गाइस एक सीन बताता हूँ मैं आपको, भव्या ने ना गोप्रो का अडाप्टर खो दिया भाई। शक्ल दिखाना अपनी, शक्ल तो दिखाओ, इतनी नल्ली है ना भव्या गाइस, और इतनी केयरलेस भाई, गोप्रो का बैटरी चार्जर का अडाप्टर खो दिया, बोल रही खो गया तो खो गया भाई, इतना समझा के थक चुका ना गाइस इसे। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ना शादी करनी पड़ेगी, एक बीवी सामान का ध्यान रख सकते गाइस और कोई नहीं, क्या बोलते गाइस कमेंट सेक्शन में, बाबू भैया शादी कर ले। गाइस फाइनली हम लोगों ने सिलीगुड़ी छोड़ दिया है एंड अभी हम लोग आ चुके हैं लताकुड़ी वाले हाईवे पे, ऑलमोस्ट यहाँ से लगेगा हम लोगों को आधा घंटा, लेकिन हम लोग थोड़ा ना स्पीड में चलेंगे बिकॉज लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बिकॉज आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली होने वाली है 400 किलोमीटर की। हम लोग अगर कॉन्टिन्यूस भी चलते रहे ना, वो अभी वक्त हो चुका है गाइस 5, हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग आराम से 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बट अब गाइस अब आपको मेरा फ़ैन बेस देखने के लिए मिलेगा, आसाम मेरा वो स्टेट है जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा फ़ैन बेस है, सबसे ज़्यादा फ़ैन बेस, एंड कोई सी एंड किसी से पूछने लगा इस बाबू भैया कौन है, कोई भी आपको बता देगा भाई, सब्सक्राइबर से ज़्यादा ना एक परिवार लेकर के चल रहे हैं हर एक जगह पर, और हम सब लोगों का बैकग्राउंड ना एक ही है गाइस, हम सब एक बैकग्राउंड से हैं, शायद यही एक रीज़न है कि इसीलिए लोग इतनी मोहब्बत देते हैं भाई, लोग हाईवेज पे खड़े रहते हैं मेरे लिए दिन रात। एक मोटो ब्लॉगर के लिए ना आप समझ रहे हो, मैं बाइक पे ट्रैवल करके बस लोगों को दुनिया दिखा रहा हूँ, एंड आज की डेट पे खतरा प्यार है, मैं इमोशनल हो रहा हूँ यार ये बोलते हुए, बट आई नेवर थॉट कि भाई कोई इतना प्यार भी कर सकता है, सच्ची में यार मेरे को ना घूसबंप आ रहे हैं अभी। आप सोचो गाइस लोग सुबह से मेरे लिए ना हाईवेज पे खड़े रहते हैं कि बाबू भैया अब आएंगे आप, अब आपसे मिलेंगे, मैं कभी कभी मिल पाता हूँ उन लोगों से, बहुत तो ऐसे लोग हैं मैं कभी मिल ही नहीं पाता, बट इंशाल्लाह गाइस एक दिन भगवान जी चाहेंगे ना तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बट आमी तुम्हें को खूब भालो पासी गाइस, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई ज़रूर करना बंगाली लोगों। सो गाइस हम लोग जलपाईगुड़ी पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड क्या मज़ा आ रहा है इस राइड पर यार। आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे बिकॉज आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे बिकॉज आसाम में ना रात को थोड़ा सा रोड ख़राब है यार, ये चेक करो, इतने टाइम बाद ना AS01 की गाड़ी मिल रही है। ओ भाई AS01 गुवाहाटी का नंबर है एंड गुवाहाटी जा रहे हैं लोग, हम भी गुवाहाटी जा रहे हैं। फ्यूल ख़त्म हो गया गाइस, कल भी फ्यूल अप कराया था, आज भी फ्यूल अप हो रहा है इसमें, तो गाइस फ्यूल अप हो चुका है दोनों गाड़ियों में, एंड H2 में भी 1500 रुपये का फ्यूल अप और उसमें भी ऑलमोस्ट 1400 रुपये का फ्यूल अप। चेक दिस आउट, क्या हाल है बढ़िया, मैं बढ़िया, आप लोग कैसे, बढ़िया यार, क्या मस्त लग रहे हो आप, क्या हाल है, थैंक यू सो मच भाई, भाई थैंक यू सो मच बॉयज, भाई ये सारे लोग वॉलंटियर करे थे, थैंक यू सो मच भाई वॉलंटियर करने के लिए, आप लोगों के कारण हम लोग निकल पाए। हाँ आते उधर उधर गरबा फेवरेट, हाँ भाई टेक केयर भाई, कीप एंटरटेनिंग पीपल, डांसर टेडी बॉय राइट, सब्सक्राइब माय चैनल, डांसर टेडी बॉय भाई, डांसर टेडी बॉय, हाँ ठीक, थैंक यू भाई, बाबू भैया लव यू भाई, लव यू भाई, लव यू आपके लिए, हम 12 बजे से टेडी पहन के बैठा हुआ है। गाइस हम लोग जलपाईगुड़ी के पास पहुंचने वाले हैं एंड जलपाईगुड़ी की लोगों की मोहब्बत गाइस सच्ची में, यू गाइस आर अमेजिंग, थैंक यू मैनेजमेंट, सब लोग फोटो लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट गाइस सबके साथ फोटो करवा रहे हैं बिकॉज आगे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये लोग 12 बजे से वेट कर रहे हैं, हम लोग भी फटाफट फटाफट फोटो कराएंगे और फिर निकलेंगे। भाई क्लियर करवा दो, क्लियर करवा दो, अब सही है, ला ला
What's up, क्या हाल है? भाई आप देख रहे हो भयंकर, वो सुबह ना 12 बजे से खड़ा हुआ था, एंड ये मेरा अभी तक का ना सबसे बेस्ट सरप्राइज था राइड पर। मैं आपको चीज़ बता रहा था भाई, अगर आप खुशियाँ फैलाओगे ना तो आपको ऐसे ही खुश लोग मिलेंगे जो जो आपको भी एक पॉजिटिव स्टेट में रखते हैं, एंड अगर आप नेगेटिव हो ना तो आपको हमेशा नेगेटिव लोग मिलेंगे। आई एम रियली हैप्पी भाई, देखो पॉजिटिव नेगेटिव लोग दुनिया में हर जगह है, बट मेरे पास ना गाइस मेंटली मैच्योर लोग हैं एंड बहुत सेंसिबल लोग हैं भाई। ये YouTube के व्यूज सब खत्म हो जाएगा भाई, बट वो जो आंटियाँ, वो जो बंदा 12 बजे से खड़ा है गाइस स्टेडी की ड्रेस में, वो बंदा नहीं खड़ा होगा कभी। एंड हाथ जोड़ करके शुक्रिया वेस्ट बंगाल के लोगों, सच्ची में भाई हाथ जोड़ करके शुक्रिया ब्रो से ना इतना प्यार के लिए। आई विश मैं सब लोगों से मिल सकता, बट मेरे से जितना हो सकता है इस लोग उतना मिल रहा हूँ लोगों से। तो यार अब आ चुके ख़राब रोड है H2 को ना, हाईवे पे तो भगाने में मज़ा आता है, बट जब आप ऐसी रोड पर आते हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। बिकॉज यू रिमेंबर गाइस, इसकी सॉक का सील डलवाई थी हम लोगों ने, इसके ब्रेक नहीं लग रहे थे। अभी फिलहाल तो एकदम मक्खन हो रखी है, आगे वाले ब्रेक भी एकदम सेक्सी और पीछे वाले ब्रेक भी एकदम सेक्सी, बट दिन के टाइम ना H2 बहुत ज़्यादा ओवररेट हो जाती है गाइस। ये मेरा ना ये वाला जो शूज़ है ना ये जल रहा है पता है आपको अंदर से। दिन के टाइम ना राइड पे मैं इसलिए भी नहीं निकलता हूँ बिकॉज बहुत गर्मी होती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ गाइस। हेलमेट के अंदर ना मेरी जान निकली हुई है, ऊपर से राइडिंग जैकेट। जल्दी 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 फटाफट जल्दी फोटो लो फटाफट फटाफट। क्या हाल है अंकल? बढ़िया। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। ये लोग खड़े हैं क्या? ये लोग खड़े हैं क्या? ओ भाई ये लोग खड़े हैं क्या भाई साहब? भाई क्या चाल? बढ़िया, कैसे हो बॉयज? बढ़िया एकदम। क्या चाल? बाइक बाइक गिरेगी बाइक। क्या हाल है भाई? बाइक साइड करने दो, बाइक साइड करने दो, बाइक बाइक साइड लगाने दो, बाइक साइड लगवाने दो, बाइक साइड लगवाने दो, मैं साइड रूम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई आराम से, आराम से भाई, आराम से, आराम से भाई, देखो आराम से, आराम से। थैंक यू सो मच भाई, आराम से भाई। भाई भाई बाइक का शीशा, भाई बाइक का शीशा। भाई मैं रुका था भाई, रुक रहा हूँ मैं भाई साहब। गाइस क्या मोहब्बत है भाई। भाई एक्सेलेटर छूटेगा, एक्सेलेटर छूटेगा। सब लोगों को बहुत सारा प्यार गाइस, बहुत सारा प्यार। भाई भाई आंटी, बैंक लोगों ने ना हाईवे ब्लॉक कर रखे गाइस, पूरे के पूरे हाईवे। क्या हाल है आंटी जी, कैसे आप? बढ़िया एकदम। भाई 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 सिग्नल खुल गया, सिग्नल जाने दो सच्ची में। ठीक है आंटी जी, ओके ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिल लिया भाई, बढ़िया ठीक है, ओके भाई चलो, ठीक 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 ठीक, ओके भाई चलो भाई, थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया भाई। भाई आंटियां मिलने के लिए आ रही है गाइस, सब्सक्राइबर्स लौंडे तो छोड़ दो। एंड ये ना गामोसा का सबसे बड़ा दिक्कत पता है, एक गले में फंसता है गाइस, इसलिए मुझे चलाते वक्त ऐसे नीचे उतारना पड़ेगा। इन लोगों ने बहुत प्यार से दिया, बट ये अगर गले में फंस गया ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस, सीधा मौत। बढ़िया एकदम, बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, आ जाओ बाइक, पहले बाइक साइड कर देते, बाइक साइड कर देते, बाइक साइड लगाने दो, बाइक साइड करने दो,
भाई बाइक साइड लगाने दो भाई, बाइक साइड करवाने दो, पहले बाइक साइड करवाने दो, बाइक साइड करवाने दो भाई, भाई बाइक साइड करवाने दो, लेट्स गो, पहले बाइक साइड करवाने दो भाई, बाइक साइड करवाने दो, मैं रुक रहा हूँ भाई, एक सेकंड बाइक साइड करवा, गाइस ये देख रहे हो क्या हो रखा है भयंकर, सब लोग रोडों पे खड़े हैं, पूरे आंटी अंकल रोडों पे खड़ी है गाइस। भाई साहब ये रास्ता भी ब्लॉक, भाई ये रास्ता भी ब्लॉक गाइस, हम कैसे ट्रैवल करेंगे आज भाई। भाई गाड़ी गाड़ी साइड लगवा लो, पहले गाड़ी साइड लगवा लो, पहले बाइक साइड करवा दो, पहले बाइक साइड करवा दो, मैं रुक रहा हूँ, पहले बाइक साइड करवा दो, मैं रुक रहा हूँ, बाइक साइड लगवा दो भाई, भाई मैं रुक रहा हूँ, बाइक साइड, भाई थ्रोटल क्यों दबा रहे, पागल हो रखा क्या भाई, मर जाएंगे सब लोग भाई, भाई गाड़ी साइड लगवा दो, बहुत दिक्कत होगी, नहीं तो पहले गाड़ी साइड लगवा दो भाई, गाड़ी साइड लगवा दो, मैं फोटो खिंचवाने के लिए रुक रहा हूँ भाई, गाड़ी साइड लगवा दो, पहले गाड़ी साइड करवा दो पकड़ लो, मैं थार पे जा रहा हूँ भाई, इस पे रहना, इस पे रहना, मैं थार पे जा रहा हूँ, इस टू पे रहना। गाइस हम लोग पहुंचे थे झाझंगी और हाईवे के सीन, हाईवे के सीन चेक करो, पूरा हाईवे ब्लॉक गाइस, पूरा हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं लोग, सामने से भी लोग आ रहे हैं, बट आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि यहां पर इतना सीन होगा गाइस, चेक इट दिस आउट, चेक इट दिस आउट, एसकी डांस यार, मैं ना हर जगह रुक रहा हूँ गाइस जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है फोटो वीडियोस के लिए, बट इससे ज्यादा मैं डैनी भाई आगे से कैसे निकलेंगे, रोड पे कैसे आ सकता है भाई साहब, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, मेरे घूसबंप आ रहे यार, आई स्वेयर मेरे घूसबंप आ रहे, अंकल आंटी पूरा स्ट्रेट बाहर रोड पे यार, मैं एक नॉर्मल सा ब्लॉगर हूं गाइस जो अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है इंटरनेट पे भाई, कसम गाइस कसम भाई कसम, मेरे घूसबंप आ रहे अभी भाई, टोल टैक्स पे पहुंचे हम लोग,
एंड ये भी पूरा ऑफ हो रखा है। आराम से आराम से आराम से भाई, बाइक साइड लगाने को पहले, फिर आराम से करवाएंगे। बाइक साइड भाई, बाइक साइड करवाने दो, मैं आराम से रुक करवाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रास्ते पे गिरेगी गिरेगी। भाई बाइक साइड लगवा लो आराम से, फिर खिंचवा लेना। लगी तो नहीं है? नहीं नहीं लगे। पैर पे लग गई खैर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आराम से धक्का मुक्की। ये लो, थैंक यू सो मच भाई। एक सेकंड ना, एक सेकंड लो। थैंक यू, थैंक यू। ओके भाई, भाई फोटो ले लो फटाफट फटाफट, और फिर हम लोग निकलते हैं। सही है।